देखें आप, मेन चौराया है, लगातार बैरिकेटिंग हो रही है, ये बंद हो रहा है और गाड़ी देख सकते हैं आप, जो साफ हैं, जो पूरी कंडीशन बता रहे हैं कि कैसे करके क्या करना है, गाड़ी है जो सारा कुछ चल रहा है, ये देख सकते हैं पूरी स्थिति जो है कर्फ्यू की बनी हुई है यहाँ पर। ये शुभ चक्र है, ये बिजौरी रोड को मार्ग है, मैं आपको सब अपडेट देता रहूँगा किस तरीके से भी यहाँ पर सब स्टॉप पड़ा हुआ है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोग बाहर ना निकलें, जगह जगह यहाँ पर गार्ड खड़े कर दिए गए हैं, पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसा भी हो रहा है किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा है। और स्थिति पूरी सामान्य तरीके से है, कोई दुकान नहीं खुली हुई है, सिर्फ किराना की जो मेन दुकानें हैं वो खुली हुई हैं या मेडिकल खुला हुआ है, और ऐसी ही स्थिति चल रही है। 12 बज चुके हैं, तमाम तरीके से लोग यहाँ पे ये अपने किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा, पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कमी है, क्या आपको चाहिए, घर में रहिए। पूरी स्थिति सामान्य तरीके से जो है कर्फ्यू में तब्दील हो चुकी है, और आज 25 तारीख है, 25 तारीख का ये मामला है, किसी को बेवजह नहीं निकलने दिया जा रहा है। सब्जी की व्यवस्था जो है मंडी बंद कर दी गई है, और ये बोल दिया गया है कि जो भी सब्जी विक्रेता हैं वो घर घर जाके सब्जी उपलब्ध कराएंगे। राशन की भी कोई कमी नहीं है, किसी तरीके से बताया जाता है कि घबराने की कोई, चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ हम लोग जो हैं कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तानी देशवासियों के लिए ये एक जंग की स्थिति है जो हम लोगों को निभाना है। तमाम फोर्स जो है जगह जगह चेक पोस्ट करके उनको रोक दिया गया है, जगह जगह करके उनको लगा दिया गया है, चार चार छः छः गार्ड जो हैं लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ियां हैं जो नहीं निकलने दी जा रही हैं, अगर कोई पेशेंट है तो उसको ही सिर्फ बताया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये मार्ग क्लोज्ड पड़ा हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले तो यहाँ पर फल की दुकान वगैरह सब कुछ लगी हुई थी, लेकिन आज ये पूरा कर्फ्यू में तब्दील है, और ये अंदर के लिए जाता है, सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सब क्लोज है, सिर्फ ATM का अवेलेबल है, गार्ड मौजूद है ATM में, वहाँ लोग अपने पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी टहल रही है, स्टेट बैंक है, 2-4 लोग स्टेट बैंक में रुके हुए हैं। ये पूरी मैं जैसा भी होगा आपको अपडेट पूरी देता रहूँगा, नगर की क्या कहाँ क्या चल रहा है। राजू जी, जो ये कोरोना वायरस को लेकर जो पूरी मार्केट तो बंद हो ही गई है, और 15 अप्रैल तक PM मोदी द्वारा जो फरमान जारी हो गया है कि इसको आप सहयोग देंगे और कोई भी मार्केट नहीं खुलेगी, बट किराना व्यापारी जो हैं वो इसको खोल सकते हैं, तो बाकी के व्यापारियों को फिर कैसे सामना इसका करेंगे, और मुसीबतें बहुत आ जाएंगी फिर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल आपने संदेश पढ़ा होगा उनका, उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है कि हम 2-2 हज़ार रुपये जिन पर राशन कार्ड है उनको 2-2 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, इससे अपना राशन चलाएंगे वो। और इस संकट की घड़ी में हम सभी लोग अपने प्रधानमंत्री जी का साथ दें और अपने देश को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। और मैं व्यापार मंडल नवाबगंज की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं, इस लॉकडाउन की स्थिति में जिन जिन व्यापारी भाइयों को व्यापार करने की छूट दी गई है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो किसी भी जनता से ज़्यादा मूल्य ना वसूल करें, ठीक है। कंप्लेंट ये भी आती है कि जो उचित रेट हैं उससे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये व्यापार मंडल की तरफ से मतलब संबोधित कर रहा हूँ कि उन व्यापारियों से मेरा निवेदन है और अपील भी है कि वो जनता से ज़्यादा पैसा वसूल ना करें, और इस दुख की घड़ी में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। नवाबगंज व्यापार मंडल की तरफ से एक बार धन्यवाद। अच्छा, ज़्यादा निकलना उकलना तो नहीं हो रहा है? ना, ना, ना। बाइक से तो लोग नहीं निकल रहे हैं? नहीं, बहुत कम दवा दारू ले रहा है, मरीज वगैरह निकल रहे हैं। किस टाइम से ड्यूटी लगी हुई है आपकी? 9 बजे से। कै बजे तक रहेगी? 4 बजे तक। अच्छा, चलिए ठीक है।